हाँ दोस्तों, मेरा नाम विराट कोहली है। मेरा नाम धनुष है। वीडियो को शेयर और लाइक भी करना दोस्तों प्लीज। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे इंट्रो देख के कि आज हम किस तरह की ऐप बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और एंड तक देखना। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं ऐप को, और ओपन करने के बाद अलाउ पर परमिशन दे देना है, और परमिशन देने के बाद बेगिन पर क्लिक करना है। बेगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो दोस्तों, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, वॉइस चेंजर इफेक्ट और फोटो ऐड शेयर व्हाट्सअप और सेव, इतने सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेनी है लैंग्वेज। तो हम सबसे पहले लैंग्वेज पर क्लिक कर लेते हैं, जिस जगह इंग्लिश लिखा हुआ है। उसके बाद हमको रवीना पर क्लिक करना है, यानी कि इंडियन फ्लैग पर, हमारा इंडियन झंडे पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको टाइप पर क्लिक करना है। जैसे आप टाइप पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको कुछ वर्ड लिखने हैं जो वो आपकी फ़ोटो पर बोलेगा। तो दोस्तों, हम कुछ भी वर्ड लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं हाय दोस्तों। तो दोस्तों, जे इस प्रकार से आप कोई सा भी एक वर्ड लिख लेना है। आप चाहे जो भी लिखें दोस्तों, तो उसको पूरा लिखना है। तो अभी कुछ मिस्टेक है, तो हम फिर से एडिट कर लेते हैं। एक बार आई लगा देते हैं, फिर से क्लिक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें भी कुछ ए लगा के देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, अब सही है। तो हम इसको हाँ दोस्तों फोटो ऐड कर लेते हैं। तो फोटो ऐड पर क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। ऐड को क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर वॉइस प्ले का ऑप्शन है, कैमरे का ऑप्शन है, गैलरी का ऑप्शन है, सेव का और शेयर का ऑप्शन है। तो दोस्तों, आपको फ़ोटो डायरेक्ट लेना है तो आपको कैमरे पर क्लिक करना है, अगर गैलरी से लेना तो गैलरी पर क्लिक करना है। तो हम गैलरी पर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद फ़ोटो पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, हम किसी भी एक फ़ोटो को ले लेते हैं। तो हम एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमने एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। अभी इस पर हम क्लिक करके हाँ देखते दोस्तों हैं। हाँ दोस्तों, अब इसको सेव कैसे करना है, तो हमको सिंपली सेव पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, सेव हो रहा है, सेव हो चुका है। अब आपको हम गैलरी में जाकर दिखा देते हैं। तो दोस्तों, हमने गैलरी पर क्लिक किया, उसके बाद हम फोटो देख लेते हैं किस जगह सेव हुआ है। तो हम एल्बम पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं दोस्तों हमारा फ़ोटो सेव है। तो हम फोटो पर सेव करते हैं और आपको प्ले करके दिखा देते हैं। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं।